गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। ये जी होगी सुबह सुबह मॉर्निंग का एक कप चाय, मेरी चाय पीती हूँ। कि मैं एक दिन अभी वीडियो डालती हूँ, एक दिन नहीं डालती हूँ, आइंदा से बस इसी तरह मैं एक दिन वीडियो डाला करूँगी, एक दिन नहीं डाला करूँगी। आज भी सुबह उठी हूँ तो चाय शाय पी, आज जिम नहीं जा सकी हूँ, तो उसके बाद अभी ज़रा अलमारियाँ वगैरह मैंने का सेट करती हूँ। और प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और चलें स्टार्ट करते हैं। मैं भी कुछ अलमारियों में ऐसे भर लत भर 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 के इनके कपड़े डाले हुए हैं, यकीन जानो इतना नहीं हो रहा कि इनको अलग करूँ। आज मैंने सोचा इनको ना अलग कर देती हूँ ना, थोड़ी बहुत चीज़ें खास तौर पर ये बच्चों के कपड़े हमदान से बांध के। और यकीन जानिए ये देखें, ये सारे ऐसे जम जम के भरे हुए हैं, तो इनका सारा मैंने अभी निकालना है और सारी सेटिंग करनी है। और जो सर्दियों के भी अभी तक इनमें मिक्स हैं वो भी निकाल के इन सबको बराबर भी करना है, और ताकि सारी सेटिंग मेरी बराबर हो जाए ना, तो ये भी करना है। और पहले मैं आप लोगों को कबर्ड्स का हाल दिखाती हूँ। ये मेरा कबर्ड है, ये देखें कैसे हुआ हुआ है। ये एक साइड पर मेरे बैग्स रखे होते हैं, इसके अंदर वैसे ख़राब हो जाते हैं, कुछ तो नीचे गिर गए हैं इसी तरह, तो ये सारा सेट करना है मैंने। और ये वो वाला बलोची है जो मैंने ईद के लिए बनवाया था, फिर पहना नहीं, उसके बाद रखा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह इस बड़ी ईद पे उसका तो लाजमी इसको वेयर करूँगी और आप लोगों को दिखा भी दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने कभी अभी तक ईद के कपड़े भी अभी तक नहीं लिया, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे कुछ दिनों तक। और अलीना की हमारी भी ऐसे दत्तड़ बत्तड़ हुई हुई है, वो भी करनी है सेट, मतलब कि आज बहुत सारे काम है मुझे। ये देखिए ऊपर अलीना के, और ये सारे इनके हैंगर वाले कपड़े हैं, ये भी सारे सेट कर। तो खैर काम तो बहुत है और साथ में खाना शाना भी देखना है। पता नहीं अभी दिल से आजकल उठता जा रहा है यूट्यूब चैनल से, इस वजह से दिल नहीं करता बनाने को, क्योंकि इतनी मेहनत करे, इतना सब कुछ है और व्यूज़ आजकल आते नहीं हैं, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरा तो दिल इस चीज़ से ना ख़राब होता जा रहा है। अब वही स्टेज आ गई है कि मर मरा के कोई वीडियो बनानी है, अदरवाइज़ दिल नहीं करता बनाने को ना। खैर अभी देखती हूँ, अभी कुछ दिन और चला के देखती हूँ, उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो बस फिर यही सोचा है कि फिर छोड़ दूँगी। क्या करें, इंसान इतनी मेहनत भी करे, और आपको पता है दिखाना बहुत आसान होता है देखना, और उसके अलावा वीडियो को देखना इस तरह हम देखते हैं कि नहीं छोटी सी वीडियो है, बढ़िया होता है कि उसको सोचना, उसको बनाना और रोज़ डेली की रूटीन ख़ासतौर पर शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं बनाती हूँ फ़िलहाल अपना खाना, खाने में आज मैं बना रही हूँ फ़िश, और वो भी बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो जो रूटीन होती है और फिर अलमारियाँ भी साथ साथ साफ करती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी फ़िश, पहले उसका मसाला बनाएंगे, लहसुन डाला इसमें, इसमें डालेंगे मसाले, अब ये हो गया टमाटर, ये जी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। हम इसमें फिश डाल के भूनते हैं कि एक साइड इसकी वो हो जाए, फिर दूसरी साइड करते हैं इसको। जीरा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा, ये देखें जी हमारी फिश कितनी अच्छी भून गई है, और अभी भी इसको थोड़ा भून लें। ये जी देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी भुन गई है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा कि इसमें ग्रेवी बन जाए। थोड़ी सी इसमें बॉयल भी होगी अभी, और
ट्राई करना है आप लोग इस तरह, बहुत मज़े की और टेस्टी ग्रेवी बनती है इसकी। ड्राई खाने से तो अच्छा, इस तरह आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए हमारा होगी फिश का सालन रेडी। अभी मैं खा रही हूँ सात मिर्चों के साथ। जिस बहन भाई ने खाना है तो मोस्ट वेलकम। ये जी खाना खाया मैंने, फिर स्टार्ट किया ये वाली शॉटी रखी। ये सारा सर्दियों का स्टॉक निकाल दिया, काफ़ी टाइम से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सारा निकालूं। अभी भी नीचे वाला पोर्शन रहता है तो ये सारी चीज़ें इनकी निकालती हूँ। ये स्कूल की पैंट है, बहुत होता है लेडीज़ गरीबों का काम, क्या क्या संभालें, ज़िंदगी के मुश्किलात संभालें, घर को संभालें, बच्चे संभालें। लेकिन पता है एक बात बोलूँगी कि इसके बावजूद भी मर्द उठ के खड़ा होता है, बोलता है तुम करती क्या हो। एक ये वाला मर्द का आम सा सवाल होता है, और दूसरा होता है कि जब हालात ख़राब होते हैं ना तो फिर मर्द एक बात बोलता है कि बस तुमने जाना है तो चलिए जाओ, बच्चे मेरे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता बच्चों के लिए जागता रातों को कौन है, बच्चे संभालता कौन है, उनकी हेल्थ का कौन ख्याल रखता है, उनके खाने पीने का। वो जब बच्चा जब बीमार होता है उसके, ये मेरे हैं तो गलती से इधर रखे, ये भी निकाल दूँ। और जब बच्चा बीमार होता है तो पूरी पूरी रात जागता कौन है। खैर मर्द के पास बस वही दो ही घिसे पटे वो होते हैं, औरत बेचारी कर और कर भी क्या सकती है। खैर ये देखिए जी सारे मैंने सेट किए और नीचे रखे, ऊपर से लेकर नीचे तक ये बच्चा अमदान सुबान का कर दिया। और ये तो अलीना का कबर्ट, अलीना भी इतना कबर्ट को अपना ख़राब करती है, ये भी मैंने सेट कर दिया। ये अलीना के हो गए, और ये इनके कुछ कपड़े चीज़ें, अलीना के बैग्स, ये फैंसी ड्रेसेस, और ये जो इसके डेली के पहनने वाले होते हैं वो सारे ना। इतना गंद कचरा निकला, ये भी मैंने कर दिया।